Hey beautiful peoples and welcome back to my new vlog शिखास happy life। और आज का vlog बस ऐसे ही बना randomly, क्योंकि हम लोग को आज जरूरी काम से था। सुबह सुबह फ़ोन आया था मामा जी का, कुछ अर्जेंट काम था, मेरा ही काम था, मम्मी का भी काम था, तो इसके वजह से हम लोग को जाना पड़ा गांव। तो बस आज गांव का नज़ारा लीजिए। और गांव में रोड में जब हरा हरा दिखता है ना, मतलब जैसे हमारे साइड तो धान बहुत ज़्यादा डालते हैं ना, धान बहुत ज़्यादा होता है, तो बस वही सब दिख रहा है। देखो ये पूरा गांव का सीन है, बच्चे स्कूल जाते हुए, और हमारे साइड का गांव ऐसा दिखता है दिखने में। ये हम लोग के गांव के आने के जस्ट पहले लगा हुआ है, इसके बाद फिर हम लोग का नानी गांव आएगा। तो ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। और गांव में हरा भरा, बारिश के समय तो आप कहीं भी जाओ हरा भरा बहुत 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 अच्छा लगता है, सुकून देता है हरियाली। तो बस ये इस गाँव को क्रॉस करके हम लोग गाँव का जाने का रोड है। और बस देखिए आप, बस क्या ही कहूँ यार, ऐसे हरियाली को देख के कोई क्या ही कह सकता है, बस एंजॉय कीजिए इस चीज़ को। और एंजॉय करते करते हम तो घर ही पहुँच गए, और घर आए हैं। और एक्चुअली ना मेरे को वापस भी बहुत जल्दी जाना था, मेरे को वापस भी काम था 3 बजे, किसी भी एनी हाउ मुझे वापस आना था। तो हम ना घर गए, लेकिन देखो घर के जस्ट बाहर में ना ये वाला फूल खिला है, इसको क्या बोलते हैं हमारे साथ चिरैया का फूल बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सुनिए उसका नाम, तो बहुत प्यारा सा दिखता है। बारिश समय में कुछ पर्टिकुलर मौसम, कुछ जो गणेश पक्ष रहता है ना, उसी समय में ये दिखता है मेरे को, बचपन से फूल देखते आ रही हूँ उसी समय में ही। तो बस हम लोग घर अंदर भी घुसे नहीं है, मामा के यहाँ गए, मामा लड्डू भी वापस आ गया था स्कूल से, और हम लोग निकल रहे थे, तो पता ही है कि इसको तो जाना ही था साथ में, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो। बस स्कूल से आया है, कपड़े चेंज किया, यूनिफॉर्म चेंज किया है, उसके बाद हम लोग के साथ आ गया। तो इसको तो बस कहीं भी घूमने जाना है, मतलब जाना ही है। कर रहे हैं गाँव के आगे, एक गाँव है दो गाँव के आगे, गाँव में जाना था जहाँ काम पे जाना था वहाँ। ऐसा ना ट्रैक्टर चाहिए थे क्या? नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए वैसे ट्रैक्टर। गाँव काम में क्या करूँ वैसे ट्रैक्टर का? एक कुआ ड्रो लड्डू 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 रुकते तो मेरे जैसे वापस आना कि आना पड़ा, कि घर वापस आना ही था। और इधर गाँव का नज़ारा देखो कितना मस्त लगता है ना, गाँव में सुकून सा, हरा भरा पेड़ पौधे, शांति, अच्छा लगता है गाँव में। मम्मी मामा भैया और लड्डू हम सब आए हैं, और टिकट नहीं आया, कुछ काम से कुछ फॉर्म फिलअप करना था उसी के काम से आया है। तो लड्डू जस्ट अभी स्कूल से आया है, और उसको भी उनको भी जाना, मेरे को भी जाना है, बस कपड़ा चेंज किया और आया है। हैंकी में साफ करो, हैंकी में घूमने आना भी है ऐसा ना घूमने। पंजाब नेशनल गाँव का बैंक दिखा रहे, गाँव का बैंक ऐसे टाइप से कुछ रहता है। यहाँ मम्मी पढ़ी है पहले, वही बता रही थी कि हम पढ़ने आती थी यहाँ पे, जो ये जो दिख रहा है ना पूरा चबूतरा जैसे, यहाँ पर पूरे सब्जी मार्केट लगता है, यहाँ का संडे संडे सब्जी मार्केट लगता है। वैसे नॉर्मली आपको सब्जी मिल जाता है, लेकिन बहुत बड़ा सा मार्केट यहाँ पर शाम को लगता है। तो मेरे यहाँ भी जैसे भाई हम लोग यहाँ आते हैं रुकने के लिए, तो भैया यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, मतलब सब्जी खरीदने के लिए आते हैं भैया और कज़न ब्रदर के साथ ही। और यहाँ मम्मी की बचपन की यादें हैं, क्योंकि यहीं से पास आउट हुई है वो, तो बस बता रही थी बैठ के कि यहाँ ऐसा करते वहाँ ऐसा करते थे करके। हाँ लड्डू सो गया, गर्मी इतनी तेज़ थी कि मम्मी उसको पंखा दे रही है। बाहर उठ नहीं पा रही क्योंकि लड्डू सोया हुआ है गोदी में। तो मुझे जल्दी फिर भी इतना उमस, इतना गर्मी, लड्डू को तो कैसे सोया सीधा करें तो उठ जा रहा, क्योंकि वैसे सोया वैसे सोया हुआ है।